काय नाव आहे तुझं? उस्मान रेनुद्दीन मोले. तुझा संपूर्ण पत्ता सांग. पापा की टेकडी कुंभार गेली. वय किती आहे तुझं आता? 25 बरस का. कोण कोण आहे तुझ्या घरामध्ये? मेरी बहन है, माँ है. अजून कोण कोण? अजून कोण कोण आहे तुझ्या घरी? मेरी माँ है. काय करतोस तू उस्मान? हमारा बहुत बड़ा गैरेज है. गॅरेज आहे. तुझे आई वडील काय करतात? मेरे को बाप नहीं, हमारे सिर्फ माँ. आणि तुझी बहीण काय करते? मेरी बहन बहुत बड़ी है मुझसे. काय करती ती? वो सिलाई मशीन चलाती. वो कहाँ पे रहती है? वो मैं हमारे ही घर में रहती है. उसकी शादी नहीं हुई है? शादी हो गई है, उसको एक बेटी है. वो बेटी का नाम क्या है? तबस्सुम. तबस्सुम, तबस्सुम नाम है उसका. उसका पूरा नाम क्या है तुम्हारी बहन का? दिलशाद. दिलशाद अकबर मोमिन. दिलशाद अकबर मोमिन. अच्छा, तो तुम्हारी माँ का नाम क्या है पूरा? तुम्हारी माँ का पूरा नाम क्या है? बहन का नाम है. जोर से बताओ, नाम क्या है तुम्हारी माँ का उस्मान? हाँ, नसीरा. नसीरा नाम है तुम्हारी माँ का. अच्छा, तुम्हें नमाज वगैरह पढ़ने आती है? हाँ, हम नमाज ही जाते हैं. हम 5 टाइम नमाज पढ़ते. 5 टाइम नमाज पढ़ते हो? कहाँ पे जाते हो नमाज पढ़ने के लिए? मस्जिद पे जाते. कौन सी मस्जिद पे जाते हो? हमारे घर के पास. कौन सी मस्जिद है आपके घर के पास? बहुत मंजी मस्जिद है. नाम नहीं है कुछ उस मस्जिद का? नहीं है उस पर नाम. पापा की टिकटी पे रहते हो आप? बहुत बड़ा घर है मेरा. बहुत बड़ा घर है. अच्छा, और गैरेज कहाँ पे है आपका? गंगापुरी. गंगापुरी में. गैरेज पे नाम क्या है? मोमिन गैरेज. मोमिन गैरेज. अच्छा, और कौन काम करता है वहाँ पे? हम करते. आप खुद करते हो और दूसरे कोई नहीं है? बहुत है, मतलब आप मालिक? 6 आदमी है हमारे. 6 आदमी आपके यहाँ काम करते हैं? अच्छा अच्छा, और आपकी शादी वगैरह हो गई है? हाँ, हो गई. अच्छा, उस्मान भाई आपके बीवी का नाम क्या है? हमारी बीवी का नाम है. क्या नाम है आपकी बीवी का? नजमा. नजमा, अच्छा. और आपकी बहन का नाम क्या बताया आपने? दिलशाद. दिलशाद. और आपकी अम्मी का नाम क्या है? नसीरा. नसीरा, अच्छा. तो आपकी शादी कौन से समय हो गई है? अभी कौन सा साल चल रहा है? कौन सा साल चल रहा है अभी? अभी वहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ है? नहीं है कैलेंडर. नहीं है आपके पास कैलेंडर? कैलेंडर नहीं है. अच्छा, तो आज तारीख क्या है आप बता सकते हो आप अभी? आज तारीख कैलेंडर ही नहीं है, तो आज जुम्मेरात है. जुम्मेरात है. अच्छा, तो साल कौन सा चल रहा है वो तो बता सकते हो आप? नवंबर. साल साल कौन सा चल रहा है? 1900 कितना है? 1925. 1900 शायद 25 ही है. 25 ही है. अच्छा, तो आपके गैरेज में कौन कौन सी गाड़ियाँ रिपेयर होती है गंगापुरी में जो है? हम पार्ट बेचते हैं. पार्ट बेचते हो आप?
हमारा बहुत बड़ा पार्ट का दुकान। अच्छा, तो मतलब बहुत पैसे वाले लोग हो आप। हम बहुत पैसे वाले। अच्छा, तो आपके कुछ बीवी बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? हमको बच्चा एक ही है। उसका नाम क्या है? अजीत। अजीत 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 बेटे का नाम है हमारा। अच्छा, तो उसका पूरा नाम क्या है? अजीत उस्मान मोमिन। अच्छा, तो अजीत की अम्मी का नाम क्या बताया? मसीरा। अच्छा, तो आप कहाँ पे, गंगापुरी में कहाँ पे रहते हो आप? पापा की टेकी कुंभार गली। कुंभार गली। अच्छा, तो अभी आपके अब्बा नहीं ये बोल रहे हो आप? नहीं है, हमारी अम्मी है। अच्छा, आपकी अब्बा हमारे इंतकाल हो गए। कितने वर्ष के हो गए थे वो? जब हम छोटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने अपने दम पे सब खड़ा किया है इतना बड़ा। हाँ, हमारे अब्बा की बहुत बड़ी जायदाद है। बहुत बड़ी जायदाद है। अच्छा, और आप नमाज वगैरह पढ़ते हो रोज? हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, तो नमाज पढ़ के बता सकते हो हमें आप? अभी हमको वजू करना है, ऐसे ही हम कैसे नमाज पढ़ सकते? आपने वजू कर लिया है, आप अभी मस्जिद में हो। देखो, आप मस्जिद में हो, नमाज पढ़ रहे हो। हम तो अभी हमारी मम्मी के पास है, अम्मी के पास। अम्मी के पास हो आप? आपके अम्मी का नाम क्या है? नजमा नाम है आपकी अम्मी का। हम तैयारी चल रही है, हज को भेजना है। हज को भेजना है? किसको? हमारी अम्मी को हज को भेजना। अच्छा, तो अभी कौन सा साल चल रहा है हज को भेजने के लिए? 25। पूरा तारीख बता सकते हो आप? हमारे पास अभी कैलेंडर में, जहाँ पे कैलेंडर है वहाँ पे जाके देखो कौन सा साल चल रहा है, देखो कौन सी तारीख है। हमारे बंगले में कैलेंडर नहीं है। इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी जायदाद है आपके पास। हमारे नौकर संभालने लगते हैं 11 में, तो नौकर से पूछो, नौकर से पूछो कौन सी तारीख है आज। देखो, नौकर से पूछ के बताओ। देखो ना, नौकर आ रहा है, उससे पूछो कौन सी तारीख है। ए शंकर, अरे ए शंकर, देखो क्या बोल रहे, कितनी तारीख है रे? आज सांग की मादर चौथ। वो नहीं बता रहा है, उसको बोलो, पूछ रहे लोग। ए शंकर, अरे बोल रहे। देखो बता रहा है वो तारीख क्या, क्या तारीख है? अरे तारीख सांग की रे मादर चौथ। ए रांडचा, अरे सांग की। ए शंकर, कौन सी तारीख है देखो बता रहा है शंकर। अरे शंकर सांग की रे पूरी तारीख देखो, वहां पे कैलेंडर है ना गैरेज पे। अरे राव दे की रहती पार्ट देच। ए शंकर, अरे रांडेचा तारीख सांग रे, 7 है का? पूरी तारीख बताओ। अरे शंकर सगड़ी तारीख सांग की रे। अरे सांगतोय का नाही तू? माधर चो तुला तारीख सांगते ना रांडीच्या। चल चल चल, काम बघ, चल चल, कस्टमर आले ते बघ। येतेस, तारीख नाही बोल रहा। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अभी आपकी उम्र कितनी साल की है? अरे हम 25 साल की।
अच्छा, तो अभी आप आगे जाओ, अगले बरस देखो क्या हो रहा है। आपकी अभी देखो, मैं अभी 5 से 1 अंक गिनूंगा। 5 से 1 अंक गिनने के बाद आप अपने मौत के समय के नज़दीक जाने वाले हो। देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, कैसे आपकी मौत हुई है। 5, 4, 3, 2, 1। कैसे हुई आपकी मौत? वो दिलशाद खाना खिला रही है हमको। अच्छा, क्या हुआ है फिर आगे? उसमें उसने कुछ मिलाया शायद। जहर मिलाया है? हाँ, हमको जहर दे दिया। ओ, कौन है हमारी दिलशाद? बहन है दिलशाद, सगी बहन है सगी बहन। दिलशाद? उसका कहाँ पे रहती है वो? वो पनाड़ागढ़ रहती है। अच्छा, तो उसने क्यों आपको जहर दिया है खाने में? हम बहुत बड़ा लोग, पैसे वाले हो इसलिए, जायदाद हमारे के लिए पास बहुत पैसा है। इसके वास्ते उसने जहर दिया आपकी सगी बहन ने। हमारी दिलशाद सगी बहन ने आपको जहर दिया है? सगी बहन ने हमको जहर दिया। हमको बहुत तकलीफ हो रही है। बुरा लग रहा है? हमारी अम्मी चली गई, आपको कुछ? आज को चली गई। अच्छा, हमारा बेटा है, 7 साल का बेटा है। हमारी क्या हो रहा है? अम्मी बहुत बड़े दूर चली गई। आपको जहर दे गया? हमको जहर दिया हमारी बहन। आपके अब्बू पहले से ही गुजर चुके हैं, आपको हमारी बहन है, आपको भाई वगैरह कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम अकेले एक ही बहन वारिस है, और है। उसने जहर दिया प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जायदाद के लिए सगी बहन ने जहर दिया है आपको। जहर दिया बहुत है। बुरा लग रहा है आपको? हमें बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? हमारे दिल को बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, तो जहर से आपको बहुत घबराहट होती है? उसने हमको खाने में जहर डाला। आपकी उम्र कितनी है अभी जिस वक्त उसने आपको जहर दिया है? हम 25 बरस के ही है। मतलब आपको अभी ही, मतलब छोटी उम्र में ही आपको जहर दिया है? उसका मर्द क्या करता है? उसका मर्द गुजर गया गुजर है, गया है? उसका इंतकाल हो चुका है। वो हमारे पास ही रहती है। और उसी ने आपको जहर दिया है, और आपको बहुत बुरा लग रहा है आपकी की बहन ने आपको जहर दिया है, हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। फिर भी उसने हम ऐसा उससे किया, बहुत मोहब्बत करते थे, फिर भी ऐसा किया उसने। फिर भी हमको उसने जहर दिया। अम्मी भी नहीं है आपके पास? हमारी अम्मी आज को चली गई। उसने हमको वादा किया था हम जल्दी वापस आएंगे। शायद हमारी मुलाकात नहीं हो चुकी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अभी मैं 10 से 1 गिनूंगा। 10 से 1 गिनने के बाद आपके दिल में से वो सब हमेशा के लिए चला जाने वाला है। आपको इससे आगे उस बात की, इस ज़िंदगी में, क्योंकि वो तो आपकी ज़िंदगी बीत चुकी है, वहाँ से आपका अब कोई वास्ता नहीं है इस जन्म में। आपको इस जन्म में कभी भी इससे आगे जहर से कोई भी डर नहीं लगेगा। इससे आगे आपको कभी भी किसी ने धोखा देने की आपको डर नहीं लगेगा। इससे आगे आपको